जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की वीडियो काफी दिन के बाद में आ रही है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, जो CCS यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसको बताने से पहले आज आपका MA और MSc का जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, वो आज आप CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यानी कि MA और MSc के सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी से हो, फिजिक्स से हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, MA में हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी हो, तो सभी सब्जेक्ट के सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो आप आज CCS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो बदलाव हुआ है। तो साथियों, यदि आप CCS यूनिवर्सिटी में BA, BSc या BCom के स्टूडेंट हैं, जो कि एग्जाम होते हैं, कैसे आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, तो अब आपके जो एग्जाम होंगे वो आपके सेमेस्टर मोड में कराए जाएंगे। याद रखिएगा, जो आपके रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी कि जो CCS यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिनका एडमिशन रेगुलर मोड में है, उनके चाहे वो BA में हो, BSc में हो या BCom में हो, तो इनके जो एग्जाम अभी तक होते थे वो होते थे एनुअल, यानी कि एक बार होते थे साल में, लेकिन अब इनके जो एग्जाम कराए जाएंगे वो आपके सेमेस्टर मोड में कराए जाएंगे। अब इसमें जो बच्चे प्राइवेट में हैं, जैसे बच्चे प्राइवेट से बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, अब वो बच्चे कहेंगे सर हमारे अभी एनुअल होंगे या सेमेस्टर में होंगे, अभी उस पर निर्णय नहीं आया है। यानी कि अभी आपके जो प्राइवेट वाले हैं उन पर निर्णय नहीं आया है, ये जो निर्णय है ये है आपका जो रेगुलर मोड के स्टूडेंट है। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बच्चे अभी जो लैपटॉप और आपका जो स्कीम चल रही है स्मार्टफोन और टैबलेट को लेकर, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उसके फॉर्म कैसे भरने हैं, किस तरीके से भरने हैं, हमें भरने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो उसके लिए भी मैं अभी वीडियो इसके बाद में अपलोड करने वाला हूं, तो उसको भी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पूरी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको फॉर्म भरना है, नहीं भरना है, किस तरीके से आपको स्मार्टफोन या टैबलेट मिलने वाला है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।